सो हाय गाइस, वेलकम टू आज का डाउट सेशन ऑफ बिगो। ठीक है, आज दो प्रॉब्लम्स थे, एक रिलेटिवली इजी था और एक हार्ड था, राइट, जिसमें हमें कुछ नया सीखने मिलने वाला है। मुझे सबसे पहले पूछना है, तुम लोग में से किन किन लोगों ने आज के प्रॉब्लम्स देखे हैं? कौन है बताओ, बताओ चैट में, बताओ, रेज हैंड करो। कोई आइडिया है आज कौन से दो प्रॉब्लम्स होने वाले? ओके, अभिमन्यु ने रेज हैंड किया और ओके ग्रेट। सो क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव एन आइडिया। नहीं देखा है तो कोई नहीं, हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज गौरिश, लेट्स गेट स्टार्ट, राइट। सो सबसे पहला प्रॉब्लम है यूनिक पाथ्स। तो ये प्रॉब्लम क्या कहता है, देयर इज अ रोबोट इन अ एम इनटू एन ग्रिड। द रोबोट इज इनिशियली लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर। हाउ मेनी वेज आर देयर सच दैट इट कैन गेट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट कॉर्नर? ऑन एवरी मूव यू कैन ईदर गो राइट और यू कैन गो डाउन। सो ये प्रॉब्लम कहता क्या है, राइट, ये बोल रहा है कुछ तो यूनिक नंबर ऑफ वेज बताना है, एक रोबोट है, कोई तो ग्रिड पे है, कह रहा क्या है? सो एक एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स टेक नंबर ऑफ रोज दो है और नंबर ऑफ कॉलम्स तीन है, ठीक है। अगर मैंने एक रोबोट यहां पे रख दिया, आई होप माय कर्सर इज विजिबल, अगर मैंने एक रोबोट यहां पे रख दिया और हर मूव में मैं बोलता हूं मैं इधर राइट जा सकता हूं या नीचे जा सकता हूं, हाउ मेनी वेज आर देयर सच दैट आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर यूनिकली? तो चलो गिनते हैं। सबसे पहला वे क्या है, मैं यहां से सीधा जाके नीचे जा सकता हूं, ये एक वे हो गया। मैं यहां से नीचे जाके ऐसे जा सकता हूं, ये दूसरा वे हो गया। और मैं यहां से नीचे जाके राइट जा सकता हूं, ये तीन वेज हो गए। तो कितने वेज हुए गाइस? तीन वेज हुए अगर मेरा रोबोट यहां पे और मुझे उसको बॉटम राइट कॉर्नर पे लेके जाना है। इतना क्लियर है तुम लोग को? क्लियर है तो हैंड रेज करो। ग्रेट। सो अभी मैं तुम लोग को एक सब टास्क देता हूं, ठीक है। हर सेल के लिए हम क्या जानना चाहते हैं, हर सेल के लिए हम जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर सच दैट आई कैन गेट टू दैट पर्टिकुलर सेल फ्रॉम रो फ्रॉम सेल 1,1। इससे मैं क्या बोलना चाहता हूं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोबोट फर्स्ट सेल पे, ये लेफ्ट साइड वाले सेल पे, हाउ मेनी वेज आर देयर सच दैट इट कैन बी ऑन दैट सेल? देयर इज ओनली वन वे, राइट, क्योंकि वो स्टार्ट उस पे ही कर रहा है। देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर वे इट कैन बी ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। आई होप आई मेक सेंस। सिमिलरली ये वाला सेल लेते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर दैट आई कैन रीच दिस सेल फ्रॉम 1,1? देयर इज ओनली वन वे, राइट, बिकॉज मैं यहां से राइट ले लूंगा, देयर इज नो अदर वे। मैं इधर से नीचे जाऊंगा तो मैं कभी ऊपर आ ही नहीं सकता, सो मैं राइट लूंगा, देयर इज वन वे। सिमिलरली इधर नीचे के लिए देखते हैं, तो देयर इज अगेन ओनली वन वे टू गेट टू दिस पर्टिकुलर सेल फ्रॉम 1,1, ठीक है। अभी ये वाला सेल देखते हैं, ये वाले सेल में 2 आ रहा है, ये वाले सेल में 2 क्यों आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां से राइट ले सकता हूं और नीचे आ सकता हूं, सिमिलरली मैं यहां से नीचे आ सकता हूं और फिर राइट ले सकता हूं, इसलिए यहां पे 2 वेज है। अभी यहां पे अगेन 1 है क्योंकि मैं राइट 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 जाऊंगा और मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड में 3 वेज क्यों है? मैं एक तो सीधा जाके नीचे आ सकता हूं, मैं वरना राइट जाके नीचे आके राइट ले सकता हूं, वरना मैं नीचे आके राइट ले सकता हूं, इसलिए एंड में 3 वेज है। तो हर सेल पे मैंने क्या वैल्यू रखी है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच दैट पर्टिकुलर सेल फ्रॉम 1,1? इतना क्लियर है? Oh, Gaurish, I have a doubt. Can you show that grid, please? Sure. यहाँ पे एक और तरीका है कि टॉप लेफ्ट वाले से मैं नीचे जाऊँ, then I take a right, then again top, then right, then bottom. Okay. Very good.
ओके, सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द रोबोट कैन ओनली मूव डाउन और राइट, इट कैनॉट मूव लेफ्ट एंड अप. ओके ओके ओके, कूल. यस, वेरी गुड डाउट. द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी डिफाइंड कि हम सिर्फ राइट जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, हम वापस लेफ्ट नहीं जा सकते और हम वापस ऊपर नहीं जा सकते. सो इतना क्लियर है गाइस? यस गौरीश. ग्रेट. सो अभी मुझे ना इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है. लेट्स सी अगर तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है. मैं इसे आगे लेके जाता हूं. मैंने इसमें एक रो ऐड कर दिया है, तो तुम देख सकते हो ये तो सेम ही है लास्ट जैसा, पर यहाँ पे वैल्यूज बढ़ गए हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज बढ़ गए हैं और यहाँ पे भी वन है. तो एक मिनट लेते हैं और देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है. हमने ब्रूट फोर्स से इतना तो कैलकुलेट कर दिया और मैंने तुम लोग को और एक कैलकुलेटेड दे दिया. क्या कुछ ऑब्जर्वेशन बन रही है यहाँ पे? कुछ some of the adjacent tiles. Exactly. Whoever answered this, very good job. कोई भी अगर तुम सेल ले लो ये बॉर्डर छोड़ के, its value is nothing but the sum of its left and ऊपर वाला टाइल. ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे ये तो बहुत रैंडम है, ये कैसे? अभी अगर मुझे एक सेल पे आना है, मैं कहां से आऊंगा? इधर मैं लेफ्ट से आऊंगा या मैं ऊपर से आऊंगा? राइट, इधर यहां से मैं नीचे आया हूं या यहां से मैं राइट पे आया हूं. सो कैन वी से द नंबर ऑफ वेज टू रीच एनी सेल इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ वेज टू गेट फ्रॉम द टॉप सेल एंड नंबर ऑफ वेज टू गेट टू दिस लेफ्ट सेल. इन दोनों को अगर मैं सम कर लू, दैट इज द नंबर ऑफ वेज आई कैन रीच दिस पर्टिकुलर सेल, इजंट इट? कुछ डाउट है? नहीं समझा? ये ऑब्जर्वेशन ही नहीं समझा कि ये क्या बोल रहा है? क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट? सो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये 6 है तो ये 3+3 है, ये 2 है तो ये 1+1 है, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वही ऑब्जर्वेशन से हमें सॉल्व करना है. एफ ऑफ आई कॉमा जे, आई कॉमा जे क्या है? मेरा सेल नंबर है, ठीक है, is nothing but f of i minus 1 j plus f of i j minus 1. इसका मतलब क्या है? जो मेरा लेफ्ट वाला सेल रहेगा वो मेरा रहेगा f of i j minus 1 और जो मेरा ऊपर वाला सेल रहेगा वो रहेगा f of i minus 1 j. And we have defined that f of 1 comma 1 is 1 क्योंकि जो स्टार्टिंग सेल है वहां पे रहने का सिर्फ एक तरीका है. इतना क्लियर है गाइस? हां गौरीश. तो ये जो टेक्निक है ना कि मैंने f of i j को उसके प्रीवियस वैल्यूज पे डिफाइन कर दिया है, कुछ i माइनस या j माइनस, इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं. शीट में जो हम कर रहे हैं स्ट्राइवर की शीट, आगे जाते हुए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पे फोकस करने वाले. सो दिस इज जस्ट अ स्लाइट हिंट कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है. हम एक वैल्यू को उसके पहले वाले वैल्यूज से कुछ तो रिलेशन निकाल रहे हैं, जैसे फिबोनाकी में करते हैं, वैसे ही हम कुछ तो यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? अभी इसका कोड देख लेते हैं हम. तो अगर यूनिक पार्ट्स पे देखे जाए तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने एक एरे बनाया है जिसका साइज m+1 n+1 है. मैंने सारे वैल्यूज को जीरो कर दिया है. तुम पाइथन में अगर तुम कर रहे हो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली सेट कर सकते हो. C++ में memset का एक फंक्शन रहता है, तुम ये अगर लिख दोगे सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे क्योंकि एरे में यूजुअली गार्बेज वैल्यू रहता है. सो वी वॉन्ट इट टू बी जीरो. अभी एंड में कुछ नहीं, i=1, i> m, i++, j=1, j> n, j++. अगर स्टार्टिंग सेल है मतलब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो f of i j 1 है, वरना f of i j is nothing but f of i minus 1 j plus f of i j minus 1. एंड में हम बस f of m comma n रिटर्न कर देंगे बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ वेज वी कैन रीच सेल m comma n. क्लियर हुआ गाइज? कोई डाउट है? ग्रेट. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम तुम्हें इंटरव्यूज में पूछा जाए तो तुम देख सकते हो
कि ये क्या है, राइट? ये फॉर लूप m टाइम्स चल रहा है और ये फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं? m इनटू n ना, हर i इज इक्वल टू 1 टू m के लिए ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n इनटू m हो गए। और किसी को अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट अ मेजर ऑफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर प्रोग्राम एज कंपेयर टू द इनपुट साइज। अभी जैसे मैं m और n को बढ़ाते जाऊंगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम व्हिच इज रिवर्स पेयर्स। देखने में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो रिकर्सिव डीपी से किया था, तो वो एक्सेप्टेड है, मतलब वहां पर तो एक्सेप्ट हो रखा, पर अगर टेस्ट केस ज्यादा हो तो हो सकता है उसमें। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमें कैसे पता चलेगा देख के कि एक प्रॉब्लम पे क्या बोलते हैं टीएलई आने वाला है या एक्सेप्ट होने वाला है, राइट? कैसे पता चलेगा? तो तुम अपनी प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, राइट? अब ये वाला तो n स्क्वायर में चले गया ना, n इनटू m, क्योंकि n रोज और m कॉलम्स है या ऐसा कुछ, राइट? करेक्ट। अगर स्क्वायर ग्रिड रहता तो O of n square बोल सकते थे, बट क्योंकि रेक्टेंगल है तो O of n into n। अभी अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट दे रहे हो, OA दे रहे हो, और तुम्हें नहीं पता, या तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा वो कंपाइल होने से पहले कि वो TLE देने वाला है नहीं देने वाला? TLE क्या होता है? TLE होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड मतलब तुम्हारा सोल्यूशन भले ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लेट्स से तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of n square। अभी n की जो तुम्हारे प्रॉब्लम में दी रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे n की वैल्यू तुम देख सकते हो 5 into 10 raise to 4 है, या 10 raise to 5 समझ लो। अगर तुम n की सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारी सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सब्स्टिट्यूट करते हो, राइट, वो वैल्यू 10 रेस टू 8 से छोटी होनी चाहिए। अभी तुम पूछोगे 10 रेस टू 8 से क्यों छोटी होनी चाहिए? क्योंकि जो ऑनलाइन जजेस है ना, वो 10 रेस टू 8 ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकते हैं, राइट? और तुम्हारे सॉल्यूशन को रन होने के लिए सिर्फ एक सेकंड मिलता है, तो जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो 10 रेस टू 8 से कम होने चाहिए। अभी यही रिवर्स पेयर्स में तुम देखोगे, मैं 5 इंटू 10 रेस टू 4 अगर n स्क्वायर में डालू तो वो हो जाता है 25 into 10 raise to 8, तो वो 10 raise to 8 से बड़ा है, राइट? तो ये TLE देगा ही देगा अगर मैंने n square solution लिखा तो। Is it clear guys? Yes. Great. So, moving on to reverse pairs problem. देखने में छोटा है, सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज हम इसे समझ के ही रहेंगे। रिवर्स पेयर्स। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स इन द एरे। अ रिवर्स पेयर आई कॉमा जे वेयर आई इज स्मॉलर देन जे एंड नम्स आई इज ग्रेटर देन 2 इनटू नम्स जे। इसका मतलब क्या है कि हमें एक एग्जाम्पल ले लेते, राइट? कंसिडर करो ये एरे, तो हमें क्या पेयर्स निकालने? हमें एक लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पकड़नी है, एक राइट साइड वाली वैल्यू पकड़नी है, और हमें क्या बोल रहा है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ना, वो राइट साइड वाली वैल्यू को हम डबल भी कर देना तो भी बड़ी रहेगी। ऐसे कितने पेयर्स है वो हमें ढूंढना है। तो लेट्स सी कितने पेयर्स है। सबसे पहले तुम देखोगे, अगर मैंने ये 3 को लेफ्ट वाली वैल्यू पकड़ ली और ये 1 को राइट वाली वैल्यू पकड़ ली, तो मैं 1 को डबल भी कर दूं ना, इसको 2 कर दूं, तो दिस 3 विल बी ग्रेटर देन 2, राइट? इसलिए ये मेरा पहला पैर होगा। और दूसरा पैर कौन सा होगा? मैं इसको लेफ्ट वाली वैल्यू पकड़ लूं और इसको राइट वाली वैल्यू पकड़ लूं, तो इसको मैं डबल भी कर दूं, 1 into 2 2 कर दूं, सो 3 इज स्टिल ग्रेटर देन 2, सो दैट इज माय सेकंड पैर। इसके लिए नंबर ऑफ पेयर्स दैट आई गेट इज 2 एंड दैट इज माय आंसर। अब तुम बोलोगे ये तो थोड़ा सिंपल लग रहा है, राइट? मैं क्या करूंगा, मैं तो बस फॉर लूप चला दूंगा, मैं i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस,
जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन एन आई प्लस प्लस, और अगर लेफ्ट वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्वाइस राइट वाली वैल्यू, तो मैं आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा और एंड में आंसर को रिटर्न कर दूंगा, राइट right? मैं बस हर एलिमेंट के लिए हर उसके राइट साइड वाले एलिमेंट से कंपेयर कर दूंगा, और अगर वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो मैं आंसर प्लस प्लस करके रिटर्न कर दूंगा। आई होप ये ब्रूट फोर्स अप्रोच में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ये ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं समझाओ तो बता देना। व्हाट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच यू से? ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच इज द फर्स्ट अप्रोच दैट comes to our mind and it is suboptimal. अभी brute force क्या है? मैं हर चीज के लिए हर दूसरी चीज check कर रहा हूँ, right? It is not any kind of trick that I am using or any kind of algorithm that I am using. For every particular element, I am checking every other element. Rather brute force. So the first method that comes to mind is brute force. Yeah. तो अभी interview में भी ना, अगर तुम solution बता रहे हो, तुम्हें अगर एक इजी मीडियम प्रॉब्लम आ गया और तुम्हें उसका सलूशन पता है, सो डोंट डायरेक्टली जंप टू दैट पर्टिकुलर सलूशन दैट यू नो, उसके पहले थोड़े ऐसा सब ऑप्टिमल या ब्रूट फोर्स सलूशन रहता है, स्टार्ट विद दैट एंड देन यू कैन से दैट देयर इज दिस ऑब्जर्वेशन, तो ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द सलूशन दैट यू हैव थॉट ऑफ और दैट यू आर श्योर ऑफ, राइट? तो तुमने बहुत ऐसे इंटरव्यूज भी यूट्यूब पे देखे रहेंगे, दे नेवर स्टार्ट विद द मोस्ट ऑप्टिमल सलूशन, राइट? मैं तुम्हें थोड़े लिंक्स भी भेज दूंगा, तुम देख सकते हो। सो इधर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, लेट्स से पीछे जाते हैं, मैं वन के लिए हर उसका राइट का एलिमेंट देख रहा हूं और जो जब भी सेटिस्फाई होती है कंडीशन मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूं। सिमिलरली मैं थ्री लेता हूं, उसके सारे राइट वाले वैल्यूज देख लेता हूं, जब भी थ्री इज ग्रेटर देन ट्वाइस एनी राइट का एलिमेंट मैं आंसर प्लस प्लस कर देता हूं। सिमिलरली फॉर टू थ्री वन, सो इसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, बिकॉज आई एम चेकिंग एवरीथिंग बेसिकली। सो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? फॉर एवरी आई फ्रॉम जीरो टू एन, दिस इज रनिंग अप्रोक्सीमेटली एन टाइम्स, राइट? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली एन एंड दिस इज रनिंग फॉर श्योर एन टाइम्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। पर जैसे हमने बताया था कि ये 10 रेस टू 8 ऑपरेशन से कम में होना चाहिए, पर अगर हम प्रॉब्लम में देखें ये वैल्यू है 5 इंटू 10 रेस टू 4। अभी मैंने अगर ये 5 इंटू 10 रेस टू 4 इसमें सब्सटीट्यूट करा, n स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करा, तो ये हो जाता है 25 इंटू 10 रेस टू 8 जो देगा TLE। सबमिट करके देखना है, सबमिट करके दिखा देते हैं, आ जाओ। सो राइट, देखो ये है सॉल्यूशन, इसको जब मैंने सबमिट करा आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड, मैंने पहले से सबमिट करके रखा था, चाहिए तो हम वापस सबमिट करके देख सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं। सो इसे सबमिट करके देखते, देखो आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड, वही इट्स अ सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इससे भी फास्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब तुम पूछोगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए, राइट? तो आज हम एक नया एल्गोरिदम सीखने वाले हैं। इट्स नॉट अ एल्गोरिदम, इट्स अ पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसे बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, अगर तुमने क्लास 9-10 में हिस्ट्री रहेगी तो जो ब्रिटिशर्स जो ऐसा डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते थे वो ही है ये। जो भी एल्गोरिदम्स हम कभी भी सीखते हैं, जो भी डीएसए में तुम सीख रहे हो, दीज आर मेड फ्रॉम व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, ईदर मैथमेटिकली और हिस्टोरिकली, एंड वी यूज दैट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्ट, राइट? सो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है कि हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दो और फिर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ। इसका मतलब क्या है देखते हैं। अभी मुझे बताओ तुम लोग में से कितने लोगों ने मर्ज सॉर्ट के बारे में सुना है? हैंड रेज कर दो। ओके, ठीक है, बहुत लोगों ने सुना है। सो मर्ज सॉर्ट क्या होता है पता है? मैं तुम्हें दिखा देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एरे दिया हुआ है और तुम्हें वो सॉर्ट करना है, तो तुमने बबल सॉर्ट या क्विक सिलेक्शन सॉर्ट तो सुना ही होगा, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में सॉर्ट करता है। मर्ज सॉर्ट कैसे ओ ऑफ एन लॉग एन में सॉर्ट करता है, मतलब बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट से बहुत ज्यादा फास्ट कैसे सॉर्ट करता है, वो क्या बोलता है, मैं पहले लेफ्ट में एरे को दो हिस्सों में बांट दूंगा, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड वाले को सॉर्ट करूंगा, मैं राइट साइड वाले को सॉर्ट करूंगा। अभी तुम देख सकते हो ये 3 4 2 1 है, तो मैं बोलता हूँ मैं पहले 3 4 को सॉर्ट करूंगा और बाकी मैं 2 1 का बाद में देख लूंगा और दोनों को बाद में सॉर्ट करूंगा। तो मैं 3 4 के लिए भी वही बोल रहा हूँ, मैं इसको पहले दो हिस्सों में बांटूंगा, इन दोनों को सॉर्ट करूंगा, फिर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। तो ये देखो 3 4 को भी मैंने बांट दिया 3 और 4 में, अभी 3 और 4 सॉर्टेड सब एरेज है, इतना तुम लोग देख रहे हो। 3 का जो एरे है वो तुम पूरा देखोगे वो सॉर्टेड है, 4 का जो एरे है वो उसमें से 4 है वो भी सॉर्टेड है। तो मैं बस कंपेयर करते जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो 3 और 4 में छोटा कौन सा है, 3 है राइट, तो मैं उसको पहले डाल दूंगा, 4 उसके बाद में डाल दूंगा। सिमिलरली मैंने ये 2 1 के लिए कर दिया तो मेरे को 1 2 मिल गया। अभी मैं इन दोनों को मर्ज कैसे कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मेरे पास ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 3 और 1 में बड़ा कौन सा है, 3, तो मैं 3 को उधर ही रहने दे रहा हूँ, 1 को मैंने डाल दिया यहाँ पे और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, 2 है, तो मैंने 2 को डाल दिया मेरे आरे में और इसको बढ़ा दिया आगे। अब ये आरे तो खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है, तो मैं 3 को इधर डाल देता हूँ, 4 को इधर डाल देता हूँ, और हर मैं मेरे पे थोड़ा भरोसा कर दो, हर लेवल पे हम O of N का ऑपरेशंस करने वाले। तो तुम पूछोगे O of N ऑपरेशंस और ये टोटल तो बहुत ज्यादा लेवल्स दिख रहे, तो ये थोड़ा सब ऑप्टिमल नहीं रहेगा, नहीं, कैसे देखते। सो हर हिस्से में मैं मेरे एरे को आधा और आधा में बांट रहा हूं, राइट और रॉन्ग, तो मैं कब तक बांट सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक लेवल है, यहां पे मैंने और दो में बांट दिया, यहां पे मैंने और दो में बांट दिया, यहां पे मैंने और दो में बांट दिया, तो यहां पे तुम देख सकते हैं यहां पे 2 raised to 0 पावर के नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कंटेनर्स है, यहां पे 2 raised to 1 मतलब 2 कंटेनर्स हो गए, यहां पे 2 raised to 2 मतलब 4 कंटेनर्स हो गए, बेसिकली डबल होते जा रहे, राइट। तो मैं कब तक इनको डिवाइड करते जा सकता हूं, लेट्स से होने बंद हो जाएंगे डिवाइड, एग्जैक्टली, लेट्स से वो लेवल है L, तो मैं क्या बोल सकता हूं 2 raised to L स्मॉलर देन इक्वल टू साइज ऑफ एरे, अगर n एरे की साइज है तो 2 raised to the level इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, क्योंकि मैं तब तक ही डिवाइड कर सकता हूं ना, मैं एक एलिमेंट को आधे में तो नहीं बांट सकता। डज दिस मेक सेंस गाइस, Yes or no? नहीं समझा, वापस समझाओ, बोलो, तुम लोग के लिए आया हूं मैं। ग्रेट, तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, अगर अभी मैं दोनों साइड पे लॉग ले लू ना, लॉग 2, तो इधर मैं लॉग 2 लिख देता हूँ, लॉग 2 2 raised to L, और इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग 2n, तो ये log 2 और ये 2 कट जाएगा, ये वो एक log का प्रॉपर्टी रहता है ना, अगर बेस और वो 2 अगर जो भी एक्सपोनेंट सेम है तो कट जाते हैं, तो नथिंग बट l इज स्मॉलर देन इक्वल टू log 2n, तो हमारे लेवल्स कितने रहेंगे, log 2n से इक्वल टू या छोटे रहेंगे। So, अगर हर लेवल पे मैं O of N operations कर रहा हूं तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है L into N, और L की वैल्यू क्या है, log of N, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, O of N log N, जो N square से बहुत ज्यादा फास्ट है। कितनी फास्ट है तुम्हें देखनी है, अगर मैं N square ले लूं, ठीक है, N square, और मैं ये 10 raised to 5 के लिए ले लूं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाते हैं 10 raised to 10, और अगर मैं n log n ले लूं,
ठीक है, तो n की वैल्यू 10^5 है और log 2 ऑफ 10^5 कुछ तो 17 या 18 ही होता है, मैं तुम लोग के सामने देख सकता हूँ, log 2 n, log 2 1 ही 5, तो तुम देख सकते हो 17 ही होता है, तो इट इज जस्ट 17 × 10^5 और 10^6। अभी सोचो हर ऑपरेशन के लिए ₹1 लग रहा है, तुम्हारी कंपनी अगर तुमने n स्क्वायर के लिए लिख दी ना, बर्बाद हो जाएगी, 10^10 रुपीज लग जाएंगे, पर अगर तुमने n log n रखा सिर्फ 1,000,000 रुपए में काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट है, समझो। सो ये होता है कॉन्सेप्ट डिवाइड एंड कॉन्कर का, मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ और फिर मैं मर्ज करके दोनों सॉल्यूशंस को मर्ज करे जा रहा हूँ, तो इधर मैंने डिवाइड करा, इधर डिवाइड करा, इधर डिवाइड करा, डिवाइड करते गया और इधर मैं मेरे सॉल्यूशंस को मर्ज करते गया। अभी मैं तुम लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने तुम लोग को दो सॉर्टेड एरे दे दिए और मैंने बोला जो ये लेफ्ट वाला है ना वो तुम्हारे एरे के लेफ्ट में ही आ रहा है और जो तुम्हारा राइट वाला है वो तुम्हारे एरे के राइट में ही आ रहा है, तो इसमें तुम वो वाले पेयर्स कैसे गिनोगे? तो तुम क्या सोचोगे, वापस मैं दोनों के लिए एक n स्क्वायर वाली फॉर लूप लिख देता हूं और कंपेयर कर देता हूं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इज इट नेसेसरी टू हैव एन n स्क्वायर वाली अप्रोच? नहीं। तो क्या अप्रोच करेंगे हम, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास दो पॉइंटर है, एक इधर पॉइंट कर रहा है और एक इधर पॉइंट कर रहा है। अभी क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है, इसकी कंडीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट यहां पे तो वो ग्रेटर होना चाहिए डबल ऑफ दिस एलिमेंट से, हाँ कि ना, बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक पॉइंटर रख दूंगा और इधर एक पॉइंटर रख दूंगा, राइट। सो लेट्स से मैंने यहां पे एक पॉइंटर रख दिया और यहां पे एक पॉइंटर रख दिया, राइट, एक सेकंड, हाँ। तो क्या वन इज वन ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वन? नो, राइट, इट इज नॉट। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं थ्री पे आया, इज थ्री ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वन? इट इज, राइट, बट क्योंकि ये सॉर्टेड है, डू यू अग्री, if 3 is greater than twice of 1, 4 will also be greater than twice of 1 and 5 will also be greater than twice of 1, हाँ कि ना, समझा कि नहीं guys, right? तो अगर मुझे कहीं पे भी ऐसा कुछ value मिल जाता है कि 3 is greater than twice of 1, मैं वो index से end तक जितने भी number of elements है वो मैं एड कर दूंगा। और अभी मैं किसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं ये राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। तो हाँ, तो मैं राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। अभी फिर से, इज दिस थ्री ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वन? इट इज, राइट। तो मैं ये सेम ये 3, 4, 5 के लिए भी बोल सकता हूं, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वन, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वन। तो इसलिए मैंने आंसर में 3 और पेयर्स ऐड कर दिए और मैं ये राइट वाले पॉइंटर को एक और बार आगे लेके जाऊंगा। अभी तुम लोग बोलो, इज 3 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 2? यस और नो, इज दिस ट्रू? इज 3 ग्रेटर देन 4? इट इज नॉट, राइट, नहीं है। तो अभी मैं ये 3 को आगे लेके जाऊंगा, 3 को आगे लेके जाते हैं। अभी 4, इज 4 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 2? इट इज नॉट, राइट, 4 इज इक्वल टू 2, हाउ कैन 4 बी ग्रेटर देन 2 गाइस? 4 कैन ग्रेटर बी 4? 4 कैन बी ग्रेटर देन 4 गाइस? ठीक है, अभी 5 पे जाते हैं, इज 5 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 2? इज 5 ग्रेटर देन 4? यस, इसलिए मैंने आंसर में एक बढ़ा दिया और ये दोनों के लिए आंसर है 7। अगर ये लेफ्ट में है, ये राइट में, मतलब मेरी एरे 1, 3, 4, 5, 1, 1, 2 और मेरे को बस ये दो एरे के लिए जानना है, तो इसके लिए आंसर है 7। तो ये अप्रोच तुम लोग को समझ में आ गया और तुम लोग को डिवाइड एंड कॉन्कर का आइडिया समझ में आ गया। तो
तो इन दोनों को हम मर्ज कैसे करेंगे? तो इन दोनों को हम मर्ज कैसे करने वाले हैं? हर एरे के लिए पहले मैं उसको आधे में डिवाइड करते जाता हूं। उसके बाद मेरे पास दो एरेज है जो सॉर्टेड है, मैं इन दोनों के लिए वो आंसर ढूंढूंगा, सिमिलरली इन दोनों के लिए वो आंसर ढूंढूंगा और इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। अभी मेरे पास वापस दो एरेज है, मैं इन दोनों के लिए आंसर ढूंढ दूंगा। तो एंड में तुम मानते हो कि नहीं मानते हो कि मेरे पास पूरे एरे के लिए आंसर मिल जाएगा? मैंने हर छोटे छोटे पार्ट्स के लिए ढूंढ लिया, मर्ज करते गया, तो एंड में मेरे पास पूरे के पूरे एरे की आंसर रहेगी। यस और नो गाइस? यस। तो इस समझा कि नहीं समझा गाइस? अप्रोच समझा तो कोड भी समझ जाएगा। सो कोड देख लेते हैं, राइट? सो अगर तुम लोग ने मर्ज सॉर्ट नहीं देखा है, अगर तुम लोग ने मर्ज सॉर्ट इसके पहले नहीं देखा है, आई रिकमेंड तुम इसके पहले मर्ज सॉर्ट देख लो। मैं अभी भी अप्रोच बताने वाला हूं, बट अगर तुम्हारा रिकर्जन वगैरह थोड़ा ढीला है तो तुम्हें थोड़े समझने में दिक्कत आ सकती है, राइट? तो ये क्या कर रहा हूं, मैं मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहा हूं। मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है पहले तो ये तो भूल जाओ। मैं मिडल एलिमेंट ढूंढ रहा हूं। मिडल एलिमेंट क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था मेरे को इक्वल हाउस में डिवाइड करते जाना है, तो मेरे को उसका मिडल एलिमेंट ढूंढना है ना। तो मैं इसका मिडल एलिमेंट ढूंढ लेता हूं और मैं बोलता हूं, भाई तू ये एरे को वापस डिवाइड कर, अभी किसमें, स्टार्ट से लेके मिड में, अब इसे वापस डिवाइड कर मिड से लेके एंड में, और एंड में जब तुझे ये दो बड़े वाले एरेस का आंसर मिल गया है, इन दोनों का आंसर मर्ज कर दे नया आंसर ढूंढने के लिए। जिन लोग ने मर्ज सॉर्ट का कोड पहली बार देख रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसमें थोड़ी रिकर्जन की प्रैक्टिस लगेगी, बट आइडिया वही है कि अगर एक एरे वो दो में डिवाइड होता जा रहा है, फिर वो और दो में, जब डिवाइड होने के लिए और नहीं है, फिर ये मर्ज वाला फंक्शन कॉल हो जाता है और वो मर्ज होना चालू हो जाता है। अभी मर्ज में मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि ये टू पॉइंटर्स लगाना है, ठीक है? अभी ये जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये जो दो एरोज लगाए, इसको डीएसए में हम बोलते हैं टू पॉइंटर्स। तो तुमने आज डिवाइड एंड कॉन्कर तो सीखा, उसके साथ टू पॉइंटर्स भी सीखा, और ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग टॉपिक साथ में लग रहे हैं, तो इसके लिए हार्ड प्रॉब्लम बोल सकते। तो मेरे पास दो पॉइंटर है, एक लेफ्ट वाली एरो और एक राइट वाली एरो। तो ऑफ कोर्स जब तक लेफ्ट वाली एरो लेफ्ट वाली एरे के बाहर नहीं चली जाती और राइट वाली एरो राइट वाले एरे के बाहर नहीं चली जाती, मैं ये व्हाइल लूप चलाते जाऊंगा। मुझे क्या चेक करना है, क्या जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो राइट वाले के ट्वाइस से बड़ा है? अगर है तो मैं मिड माइनस एल प्लस वन कर रहा हूं। मैं मिड माइनस एल प्लस वन क्यों कर रहा हूं? ये जो इंडेक्स है ना मेरी गाइस, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, इसको मैं मिड बोल रहा हूं, और मेरा जो करंट पॉइंटर है वो मैं लेफ्ट बोल रहा हूं। तो लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, 1 3 4 5, मेरा जो मिड है, मिड इज इक्वल टू 4 है, 4 क्यू, मिड इज इक्वल टू 3 है, 3 क्यू है क्योंकि इसकी इंडेक्स देख लेते हैं ना, 0 1 2 3, तो इसकी इंडेक्स 3 है, और करेंटली मैं यहां पे हूं ना, तो मेरी इसकी इंडेक्स 1 है। तो अगर मेरे को जानना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फ्रॉम दिस एरो टिल द एंड, क्या मैं बोल सकता हूं इट्स मिड माइनस द इंडेक्स आई एम अपॉन प्लस 1। अगर मैं 3 माइनस 1, देख लो 3 माइनस 1 प्लस 1 कर दू तो कितने आते, 3 आते। कैन आई से 3 एलिमेंट्स आर देयर? सिमिलरली इसको अगर 2 ले लेते हैं, 3 माइनस 2 प्लस 1 कितना आता है, 2 आता है। कैन आई से देयर आर 2 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू टिल द एंड? हाँ कि ना गाइस? यस, ग्रेट। तो मुझे वो ही करना है। अगर नम्स एल इज ग्रेटर देन ट्वाइस इनटू नम्स आर, मैं जितने भी एंड तक एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं,
और मैं राइट वाली पॉइंटर मतलब ये वाली पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, वरना मैं ये वाली पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। एंड में मैं जो भी एरे था, जो जितना भी मेरा पोर्शन था, उसको सॉर्ट कर देता हूँ। अभी ये जो है ना, इसको हम लीनियर में भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू राइट दिस, बट मेरे को ऐसा क्लीन वे में अप्रोच बताना था, इसलिए मैंने सॉर्ट लिख दिया। तुम चाहिए तो और एक वाइल लूप लगा के टू पॉइंटर से भी ये कर सकते हो। गाइस, क्या तुम लोग को ये प्रॉब्लम समझा? यस गौरव। विल यू बी एबल टू कोड दिस गाइस? मैं इसका कोड भी शेयर कर दूंगा, एक बार देख लो, दो बार देख लो, क्या तुम अपने आप ये कोड कर पाओगे? ग्रेट। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। दिस इज नॉट ईजी, कीप इट अप एंड ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ शुड बी रिवॉर्डेड। सो जस्ट अ सेकेंड। सो एन लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड लेट्स एंड दिस विद अ कैट, क्यूट कैट फोटो। स्टे फियरलेस, कीप ग्राइंडिंग। Meet you guys tomorrow. Bye-bye.